ಸ್ನಾಂ ಅಶಾವನೇಂ ಅಶೇರತೋಂ ಯಜಮೈದೇ ಜರತುಸ್ತ್ರೇಂ ಅಶಾವನೇಂ ಅಶೇರತೋಂ ಯಜಮೈದೇ ಜರತುಸ್ತ್ರೇಂ ಅಶೋನೋಂ ಪ್ರವಶೀಂ ಯಜಮೈದೇ ಅಮೇಸೆ ಸ್ವೆಂಟೇ ಅಶೋನಾಂ ಯಜಮೈದೇ यह है मुंबई का पारसी सेमिनरी। पारसियों की एक नई पीढ़ी अपने समुदाय में प्रवेश करने को तैयार है। बच्चे 8000 साल पुराने धर्म का पाठ पढ़ रहे हैं। इनके पूर्वजों ने मुंबई की जमीन को अपने खून पसीने से सींचा। आज पारसी मुंबई की पहचान बन चुके हैं। ये जिंदगी को अपने नियमों से जीते हैं। धर्म और संस्कृति इन्हें बांध कर रखती है। ये नन्हे पारसी अपने धर्म के धागे से बंध रहे हैं। शायद इस कौम के बचने की यही एक उम्मीद है। सच यह है कि पारसियों की संख्या आज तेजी से कम हो रही है। जल्द ही शायद ये लुप्त हो जाएं। The problem is very serious. In about 1940, the Government of India census, the population was about 1,14,000. And in the 2001 census, the figure was 69,600. And now in 2008, the figure must be close to about 62,000, I think. That's the projection I would guess. Globally, the population is fairly stable. But the decline is in India. And of course, the most important reason is urbanization. Problems of housing, commuting. So just like in West, women conceive late and keep the number of children to one or two. ये पारसी मुंबई के पितामह हैं। पारसियों की ऐसी कई पीढ़ियों ने शहर को निखारा संवारा। आजादी की लड़ाई हो या सामाजिक कार्य, इनकी भागीदारी हमेशा बढ़ चढ़कर रही। दादा भाई नौरोजी को तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में हाथ बटाया। मुंबई के पारसी हर क्षेत्र में आगे रहे और शहर को बहुत कुछ दिया। आज भी मुंबई का कोना कोना इस बात की गवाही दे रहा है। मुंबई ने भी पारसियों के योगदान को नहीं भुलाया। शहर में जगह जगह विशिष्ट पारसियों की प्रतिमाएं लगाई गई और सड़कें उनके नाम की गई। आज विश्व में लगभग 1,00,000 पारसियों में से 42,000 सिर्फ मुंबई में रहते हैं। पारसी सभी से खुलकर मिलते जुलते हैं, पर फिर भी ये अपनी अलग पहचान कायम रखे हुए हैं। The Parsi contribution in Bombay has been very, very significant considering our small numbers. We have monuments, we have statues, we have buildings. In other words, if you go to the heart of Bombay, namely South Bombay, Flora Fountain, on any road that you walk within that one square mile of the fort, you will see Parsi street names, you will see Parsi statues, you will see a Parsi well. Even Flora Fountain, which is seen as the center of Bombay, the fountain itself was donated by a Parsi family. Kushro Bagh, Mumbai ke Parsi bago ki rani. Shahar ke 60% Parsi aise bago mein rehte hain. Wadia Bandhu ne 1908 mein Parsiyon ke rehne ki achhi vyavastha ke liye bagh banaye. Baghon ki dekhrekh trusts karte hain aur Parsiyon ko कम कीमत में फ्लैट्स मुहैया कराते हैं।
खुसरो बाग एक बड़ा बाग है। इसमें 540 फ्लैट्स हैं, जिम है, प्लेग्राउंड्स हैं, गार्डन्स हैं। बाग में एक खूबसूरत फायर टेंपल भी है। यहाँ लोग पूजा आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं। बड़े फ्लैट्स का मासिक किराया औसतन मात्र 200 रुपए है। ऐसे बागों में गरीब और अमीर पारसी साथ साथ रहते हैं। पारसी यहाँ अपनी संस्कृति में रचे बसे नजर आते हैं और एक समुदाय के रूप में रहकर एक दूसरे की खुशी और गम को बांटते हैं। It's beautiful. It's safe, clean, best environment to grow up in. I mean, we've been here for what 35 years now, and the best part of my life. It is a real pleasure. It is known as the queen of colonies among all the Wadia bags, our Khushrubagh, and I've been staying here since years. We have to be very thankful to God that we have got this facility of this bag, and the Wadias who have built these bags is a real boon to our Parsi community. बेनाइफर आज की शाम अपने छोटे से परिवार के साथ गुजारेंगी। टीवी के सामने बैठकर पति के साथ गरम गरम चाय पीने का मजा ही कुछ और है। बेनाइफर के दो बच्चे हैं, 17 वर्षीय वहिष्ठ और 13 वर्षीय शामक। पति होमियार एक निजी कंपनी में काम करते हैं। एक बूढ़ी सासू मां भी है। बेनाइफर का परिवार एक आधुनिक पारसी परिवार का प्रतीक है। अपने पारसी परिवेश में रचे बसे रहने के बावजूद ये मेनस्ट्रीम कल्चर का भी दामन थामे हुए हैं। मगर अब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। शहरीकरण और आधुनिकता की ये कीमत है। आधुनिकता के बावजूद पारसी अब भी शादी करीबी रिश्ते और समुदाय के अंदर ही करते हैं। The joint family system within the community has weakened. Particularly in urban centers like Bombay and Pune, where accommodation is becoming more and more difficult. We have smaller nuclear families. The flats are much smaller, so the chances of the parents and grandparents living with the child are that much less. आज पारसी परिवार का अस्तित्व एक इकाई के रूप में बरकरार तो है, मगर कौम एक अंदरूनी खतरे से भी जूझ रहा है। अब इंटरमैरिज या दूसरे धर्म में शादी करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई में यह दर 33% है और देश में 50% से भी ज्यादा। पारसी लड़कियां अगर इंटरमैरिज करती हैं तो उनके बच्चों को गैर पारसी घोषित कर दिया जाता रहा है। कम्युनिटी का बर्थ रेट भी काफी कम है और लगभग 30% पारसी महिलाएं आजीवन कुंवारी रह जाती हैं। इसके अलावा माइग्रेशन की वजह से भी देश में इनकी संख्या कम होती जा रही है। नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 तक पारसियों की संख्या देश में मात्र 23,000 रह जाएगी। तब शायद इन्हें समुदाय की जगह ट्राइब घोषित कर दिया जाए। ऐसे में पारसी समुदाय के अस्तित्व पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। Today I would say the median rate among those married is 2. But since only 1/3 marry within the community fold, you have to, the birth rate is well below the reproductive level. The other thing is that we are an aging community. So our longevity is close to 80. Hence, obviously, the death rate has to rise. So there's queuing up between, you know, death rate is much higher than the birth rate. I would think in the next maybe 100 years, you would find it very difficult to find Parsis. That'd be very sort of rare. We should allow the children of Parsi parents who are married to non-Parsis to join the community and the religion if they wish to. I think we should be more open. We are about the only religion in the world which does not except people who want to join the religion. I don't think that can last for long. इन खूबसूरत और कीमती गारा साड़ियों को फरजाना मिस्त्री ने अपनी शादी के वक्त से सहेज कर रखा है।
फरजाना ने पारसी संस्कृति पर एक किताब भी लिखी है जिसमें गारा साड़ी के इतिहास के बारे में विवरण है। गारा साड़ियां पारसियों के फैमिली एयरलूम का एक अहम हिस्सा होती हैं। बारीक कारीगरी और बेहद हल्के फैब्रिक के कारण इनकी कीमत लाखों रुपयों में होती है। एक पारसी लड़की के दहेज में गारा साड़ी और कोरेनी साड़ी का होना निहायत जरूरी है। गारा साड़ीज आर एसोसिएटेड विद द पारसी कम्युनिटी इन पर्टिकुलर एंड दीज आर इंडो-चाइनीज एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी लेंथ्स दैट केम इनटू इंडिया एंड वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया इन द लेट 19th सेंचुरी बाय चाइना ट्रेडर्स हु सेल्ड इन बोट्स लाइक दिस एंड दे ट्रेडेड इन कॉटन एंड ओपियम and they brought back silk from China. Now this, for example, is a very beautiful old 160-70-year-old wedding gara. And it's off cream in color. And it has it's embroidered with chrysanthemums, which is a Chinese flower for longevity and long life. These garas are family heirlooms and they have been handed down from mother to daughter. So this gara, for example, belongs to my grandmother, my maternal grandmother. And it's a very old gara where the silk has come from China, but the embroidery is from Surat. गारा साड़ी अब परंपरा के साये से निकलकर फ्यूशन फैशन के जरिए पारसियों को लुभा रहा है। पारंपरिक पारसी परिधान को मॉडर्न लुक देने में महारत हासिल करने वालों में एक नाम है ज़िनोबिया दावर का। ज़िनोबिया ट्रेडिशनल फैब्रिक और एम्ब्रॉयडरी को अपने कट्स और स्टाइलिंग के जरिए पारसियों में पॉपुलर बना रही है, साथ में पारंपरिक पारसी लिबासों के विरासत को भी जीवित रखे हुई है। पारसी वुमन लाइक टू वेयर कोर एंड गारा साड़ीज व्हिच हैज बीन ब्रॉट डाउन थ्रू जनरेशंस। The core means the real zari core, and the gara saris are made in colorful thread as well as white thread on dark fabrics. Now, children usually for navjots and all they wear. Embroidered dresses, navjot dresses, and even jablas with ijars and topi makes a nice set for children. And Parsi men usually wear daglis or daglas. Daglas can also be embroidered with the Chinese collar embroidery, and they wear the fetta, that's the pagri. We are trying to give it a modern touch to it by reviving the fabrics. And reviving the embroidery and giving that style with a modern innovative touch. ये खूबसूरत लिबास पारसी परंपरा के रंगीन पहलू को तो दिखाते ही हैं, साथ साथ इनकी जिंदादिली की कहानी भी बयां करते हैं। एक ऐसे कौम की कहानी जो वक्त के थपेड़ों के बावजूद अपने जड़ों से जुड़े रहने में कामयाब रहे। लगता है आज इस पारसी किचन में कुछ खास बनने की तैयारी है। जेरू मेहता पारसी पाक कला की विशेषज्ञ हैं। जेरू के कुकबुक को एक अरसे से पारसी खाने का टेक्स्ट बुक माना जाता रहा है। पारंपरिक पारसी भोजन के बनाने की विधि को बेहद सरल तरीके से पेश करने में जेरू का जवाब नहीं है। ये आज कुछ खास पारसी व्यंजन बनाने के मूड में है। If a book on the life and loves of Parsis was to be written, the most popular chapter would be the one on food. We love food. We adore good food. And we can digest a lot of it in one sitting.
fish symbolizes long life and is always served on auspicious occasions. And a perennial favorite is Patrani Machhi, which I am going to show you today. Patrani Machhi banane ke liye pomfret ke chote chote tukde karein. फिर केले के पत्ते को गैस फ्लेम पर सुखा लें। सुखाने के बाद पत्तों को तेल से नम करें। अब पॉम्फ्रेट के टुकड़े पर धनिया नारियल की चटनी का लेप करें। इन लेप किए गए पीसेस को पत्ते में लपेटे और धागे से बांधें। फिर पानी में इन्हें डालकर 30 मिनट तक उबालें। आधे घंटे के बाद स्टीम में पके मछलियों के पीसेस को निकालें। तो तैयार है पतरानी मच्छी। इन्हें धनिया की चटनी के साथ परोसें। This is eggs on tomato. It's a speciality of Parsi cooking. Eggs on vegetables. You can have it on bhindi, potato, spinach. This is on tomato. This is sali boti. It's khatta mitha ghost, sweet and sour meat in a masala. And we will sprinkle some potato straws on it. It is a very popular and a very common dish. And this is a meat palau, which we have meat cooked in spices in a nice gravy. And there's saffron rice, and there's plain rice, and there's dahi mixed in the rice. And we layer it in different layers of dahi rice, meat, plain rice, meat, and potatoes, and then scoop it out and put it in the dish. This is dansak, perhaps the best known dish of Parsi cuisine and enjoyed by families on Sundays. It consists of fried brown rice with meat kebabs and dal, which also has meat in it. This is a rich custard. It's called Lagannu custard because it was always served in the wedding dinners. Its milk is boiled down to half, and then there's eggs in it and sprinkled with a nut called charoli. ऐसे जायकेदार पारसी व्यंजन अब पारसी रसोई और पारसी जबान तक ही सीमित नहीं है। मुंबई के खास मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट्स में गैर पारसी लोग इस खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर एक अपमार्केट रेस्टोरेंट में पारसी खाना खाने की इच्छा आपके मन में है तो बाय द वे आपकी एकदम सही पसंद रहेगी। गांव देवी में स्थित बाय द वे एनजीओ सेवा सदन सोसाइटी द्वारा चलाए जाने वाला एक मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट है। अंदर का एम्बियंस बेहद मॉडर्न है। 36 कवर वाले इस रेस्टोरेंट के पेट्रंस ज्यादातर ऑफिस गोअर्स और फैमिलीज हैं। रेस्टोरेंट भले ही मल्टी क्यूजीन है, मगर खास तौर पर ये पारसी फूड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ग्रेसफुल वेटर्स पारसी खाने को बेहद सलीके से सर्व करते नजर आते हैं और लोग इस एथनिक फूड का भरपूर मजा उठाते हैं। It is famous for its Parsi food because it is cooked by Parsi ladies who cook the food in an authentic way. Non-Parsi people also patronize this restaurant a lot, especially for the Parsi food. रेस्टोरेंट 3 साल पुराना है। ये खाने के शौकीनों के बीच उम्दा और असली पारसी खाने के लिए अपनी एक खास जगह बना चुका है। सेवा सदन ने किचन में अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन को एम्प्लॉय किया है। यहाँ के क्लाइंट्स सल्ली बोटी, पात्रानी मच्छी, लागुना कस्टर्ड और धनसक जैसी डिशेस से पूरी तरह वाकिफ हो चुके हैं। एक मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट में पारसी फूड की ऐसी पॉपुलैरिटी बिना कुछ कहे ही अपनी खूबी बयां कर देती है।
ये है मुंबई का फ्रामजी दादा भॉय अल्पाई वाला म्यूजियम। ये शायद एशिया का एकमात्र ऐसा म्यूजियम है जहां रेयर पारसी आर्टिफैक्ट्स संभाल कर रखे गए हों। डॉक्टर निवेदिता मेहता म्यूजियम की क्यूरेटर हैं। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो कि पिछले 30 सालों से पारसी पुरातन संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मेहता 8वीं शताब्दी में हुए ईरान से पारसियों के पलायन के बारे में बताएंगी। ट्रेड रूट फ्रॉम इंडिया टू द पर्शियन गल्फ हैज बीन एन ओल्ड ट्रेडिशनल ट्रेड रूट एंड वी डू नो दैट देयर वाज ट्रेड गोइंग ऑन इवन ड्यूरिंग द हड़प्पन टाइम्स। So this is the route that they took. This the cow came out from the Straits of Hormuz, went down here, and then landed at Diu somewhere here, and then finished up at Sanjan on the west coast, north of Bombay. Basic thing was that when the battle of Nehavan was lost in about 641 AD, and 10 years later the last emperor died. I think religious persecution by the Arabs led to a diaspora. It has always been said that the diaspora was only towards the west coast. It's not so. The diaspora went into China, it went into areas around the Caspian, it went into the Indo-Gangetic Plain, into the northwest provinces and then into the Indo-Gangetic Plain. But these groups did not survive. We knew that there was a Zoroastrian priest in Uch around as late as 11th century AD. But these settlements did not survive as Zoroastrian settlements. It's only the group of people who came by boat down the Straits of Hormuz and first stopped at Div and then went on to land at Sanjan that survived as the Zoroastrian group that we know as Parsis today. पारसी के फायर टेम्पल या एगियरी शहर के पारसी बहुल इलाकों में नजर आ ही जाते हैं। इनकी वास्तुकला गुजरे हुए जमाने की याद दिलाती है। आम आदमी के लिए ये जगह रहस्यमयी है। पारसी यहाँ अपने इष्ट देव अहुरा माजदा को आग के जरिए बेहद भक्ति से पूजते हैं। 18 वर्षीय याज्द मांडवी वाला एक नया पुजारी है। वो फायर टेम्पल के बॉय रिचुअल के लिए तैयार हो रहा है। पारसी पुरोहित सफेद कपड़े पहनकर कर्मकांड करते हैं। एक लंबा सा सफेद कोट या जामा उनका मुख्य वस्त्र होता है। सर पर होती है एक पगड़ी और चेहरे पर बांधी जाती है पदान, जिसका मकसद होता है आग की पवित्रता को बनाए रखना। जामा को एक कपड़े के बेल्ट या पिछोरी से बांधा जाता है। मंदिर में दिन में 5 बार विधिवत पूजा होती है। जेंडावेस्टा के मंत्रों से अहुरा की अर्चना की जाती है। लकड़ी से अग्नि को लगातार प्रज्वलित किया जाता है। घंटे बजाए जाते हैं। घंटों की आवाज लोगों को बुराई से लड़ने की प्रेरणा देती है। In a fire temple, generally two things are happening simultaneously. One is devotees who go to the fire temple to pray before the holy fire, sit in the room around the holy fire and do their own prayers. In an adjoining room, there are other priests who are performing rituals which the people have requested them to perform in memory of departed ones. To the holy fire, in a fire temple, the priest offers prayers 5 times in a day. They are called the 5 ghas or the 5 watches of the day. Zoroaster dharm ki sthapna prophet Zoroaster dwara 6000 Isa purv mein kiya gaya. Dharm Ishwar ki ekal satta par vishwas rakhta hai.
और अहूर माजदा को अपना परम देव मानता है। अहूर के 6 स्वरूप हैं, जिनमें से एक है अग्नि। अहूर की शक्ति और शैतानी शक्ति अहिरमान के बीच अनंत काल से क्लेश है। मनुष्य का धर्म है कि वो अहूर या अच्छाई का साथ दे। The soul is immortal according to the Zoroastrian religion and it survives